नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के बोकारो, पलामू, धनबाद के बाद हजारीबाग में अग्निपथ का विरोध, छात्रों को सता रही है भविष्य की चिंता। केंद्र सरकार के अग्निपथ का हजारीबाग में विरोध किया गया। विद्यार्थियों का आंदोलन दूसरे दिन जारी रहा। झारखंड के शिक्षा का हब हजारीबाग के विद्यार्थियों ने सड़क पर उतरकर दूसरे दिन भी आंदोलन किया। एनएच 100 और एनएच 33 पर टायर जलाकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। आप सबको बता दें कि शुक्रवार को बोकारो, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद के बाद हजारीबाग में भी छात्रों ने विरोध दर्ज कराया। विद्यार्थियों ने कहा कि केंद्र सरकार बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह योजना लाई है। 4 साल के बाद 75% युवाओं को प्रशिक्षण देने के बाद निकाल दिया जाएगा। ऐसे युवक प्राइवेट कंपनी में 10 से 15 हजार का नौकरी करने पर मजबूर होंगे। सोची समझी राजनीति के तहत यह योजना लाई गई है। अग्निपथ का धनबाद में विरोध, सड़क पर उतरे युवा, रेलवे ट्रैक किया जाम, ट्रेन हुई लेट। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ धनबाद के युवा सड़क पर उतर आए। दिन में 10:30 बजे के आसपास लगभग 1000 युवा धनबाद स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। पुलिस के जवान भी पहुंच गए। भारी तनाव के बीच युवा 1 घंटा रेल लाइन पर बैठे रहे। इस बीच बारिश होने लगी। ग्रामीण SP और SDM प्रेम तिवारी ने उन्हें समझाया। इसके बाद युवा वहां से हटे। इससे पहले पैदल मार्च निकाला गया। रेल लाइन जाम होने के कारण कुछ ट्रेनें लेट हो गई। वहीं धनबाद पटना अप डाउन को रद्द करना पड़ा। आप सबको बता दें कि बोकारो, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और हजारीबाग में भी युवाओं ने इसका विरोध जताया है। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, कहा बहाली अनुबंध पर और नाम अग्निवीर। केंद्र की अग्निपथ योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने ट्वीट कर इस योजना पर तंज कसते हुए कहा कि बहाली अनुबंध पर और नाम अग्निवीर, कहा कि इस स्लोगन वीर सरकार से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। उन्होंने कर्णधारों को जगाने की अपील की। दूसरी ओर झामुमो ने इस योजना का विरोध करते हुए केंद्र सरकार से 3 सवाल पूछे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अब सेना में अस्थायी नौकरी दी जा रही है, यह कहीं से सही नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र इस तरह की योजना लाकर युवाओं को दिग्भ्रमित कर रही है। नाम अग्निवीर दिया जा रहा है और युवाओं की बहाली अनुबंध पर हो रही है, जो काफी हास्यास्पद है। उन्होंने कर्णधारों को जगाने की अपील की। कहा कि नौकरी के नाम पर युवाओं को दिग्भ्रमित करना केंद्र सरकार बंद करे। वहीं झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी इस योजना का विरोध करती है। उन्होंने केंद्र सरकार से 3 सवाल पूछे हैं। साथ ही युवाओं से लोकतांत्रिक आंदोलन को संगठित करते और दबाव बनाते हुए केंद्र सरकार से इस नीति को वापस लेने की अपील की। अग्निवीर कमेंट कर फंस गए सीएम हेमंत सोरेन, लोगों ने कर दिया ट्रोल। 10 मिनट में 200 से ज्यादा कमेंट, मैक्सिमम लोगों ने कर दी खिंचाई। देश के अलग अलग इलाकों में जहां केंद्र सरकार की अग्निपथ योजनाओं को लेकर प्रदर्शन और हिंसा हो रही है, वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन अपनी सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट को लेकर ट्रोल हो गए। व्यूअर्स ने सोरेन के फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर केंद्र की अग्निपथ स्कीम पर कमेंट क्या किया, ट्रोल कर दिया। सोरेन ने अपने सोशल मीडिया पेज पर यह लिखा है कि बहाली अनुबंध पर एवं नाम अग्निवीर, इस स्लोगन वीर सरकार से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। जागो भविष्य के कर्णधार जागो। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक्टिव लोगों ने उन्हें 6 मिनट में 127 से अधिक कमेंट किए। वहीं दूसरी तरफ यह आंकड़ा 11 मिनट में 200 से अधिक चल गया। आप सबको बता दो कि ज्यादातर लोगों ने सोरेन के उनके कमेंट की वजह से उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर दिया। फेसबुक पर पुरिता सिंह ने लिखा है कि आप झारखंड की जनता को ठग सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप भी तो वही कर रहे हैं। सारा का सारा अनुबंध टीचर का पेमेंट 25,000 के जगह 10,000 कर दीजिए। जबकि राकेश कुमार दास ने लिखा है कि केंद्र को हटाइए ना, आप कुछ कीजिए, मान्यवर सिर्फ बयानबाजी मत कीजिए, बहाली कीजिए। वहीं प्रीतम सरकार ने लिखा है कि खुद का देखिए ना, अपना घर शीशे का हो तो किसी के घर में पत्थर नहीं मारना चाहिए। वहीं ओम वर्मा ने लिखा है कि आपके द्वारा दिया गया वादा हम सभी को याद है, ना किसी को नौकरी मिली और ना ही मिला रोजगार और ना ही मिला बेरोजगारी भत्ता। वहीं हिमांशु शेखर ने लिखा है कि आप जब से बागडोर संभाले हैं आपने क्या किया राज्य के आदिवासियों के लिए। हेमंत सोरेन माइनिंग लीज और सेल कंपनियों में निवेश मामले में 23 जून को होगी सुनवाई।
झारखंड हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के सेल कंपनियों में निवेश और रांची के अनगड़ा में 88 डिसमिल जमीन पर माइनिंग लीज आवंटन मामले में सुनवाई अब 23 जून को होगी। उस दिन मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल और महाअधिवक्ता राजीव रंजन के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण सरकार को समय प्रदान किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के सेल कंपनियों में निवेश और रांची के अनगड़ा में 88 डिसमिल जमीन पर माइनिंग लीज आवंटन मामले में वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल की ओर से आग्रह किया गया था कि इस मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाए। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पक्ष रखा। उन्होंने सरकार को समय देने का विरोध किया। आप सबको बता दें कि प्रार्थी शिवशंकर शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। 24 घंटे के बाद मानसून की झारखंड में होगी एंट्री। प्री मानसून बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत। रिमझिम फुहारों के बीच घटा अधिकतम तापमान। पलामू में लू से मिली राहत। 24 घंटे के बाद मानसून के प्रवेश की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान में 24 घंटे के दौरान मानसून के दस्तक देने की संभावना है। हालांकि पिछले दो दिनों से हो रही प्री मानसून बारिश से लोगों ने काफी राहत महसूस की है। साथ ही प्री मानसून की बारिश की वजह से अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि शनिवार को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, साहिबगंज के अलावा सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम में भारी बारिश एवं वज्रपात की संभावना है। साथ ही इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। जबकि रविवार को रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिला को छोड़कर राज्य के शेष सभी जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात होने का पूर्वानुमान है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष राज्य में 1043 मिलीमीटर बारिश हुई थी और इस वर्ष भी मानसून सामान्य रहने की संभावना है। उन्होंने बताया कि वातावरण में नमी के कारण पलामू प्रमंडल में लू के हालात नहीं बने। अभी तक सबसे गर्म चल रहे शहर मेदिनीनगर में गुरुवार की शाम का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। पिछले तीन दिनों में यह तापमान में लगभग 9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। उन्होंने बताया कि रांची का अधिकतम तापमान 33.4 और जमशेदपुर का 35.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। झारखंड में महुआ टाण की प्रमुख निर्वाचित हुए कंचन कुजूर, अभय मिंज बने उप प्रमुख। झारखंड के लातेहार जिले के महुआ टाण में प्रखंड कार्यालय सभागार में प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव संपन्न कराया गया। चैनपुर पंचायत की पंचायत समिति सदस्य कंचन कुजूर प्रमुख चुनी गई। प्रमुख की दौड़ में 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। इसमें कंचन कुजूर को 10 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी नेतरहाट पंचायत की पंचायत समिति सदस्य चांदनी भगत को 5 वोट मिले। उप प्रमुख पद के लिए 2 प्रत्याशी चुनाव में उतरे थे। मतगणना बाद निर्वाची पदाधिकारी सह SDM नित्य निखिल सुरीन ने अमोवा टोली पंचायत के पंचायत समिति सदस्य अभय मिंज को उप प्रमुख पद निर्वाचित घोषित किया। अभय मिंज को 9 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी इंद किरण कुजूर को केवल 6 वोट मिले। राधा रानी सोरेन जिला परिषद अध्यक्ष और फुलकुमारी देवी उपाध्यक्ष निर्वाचित। DC ने दिलाई शपथ। जामताड़ा जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न हुआ। दोनों पदों पर कड़े मुकाबले में राधा रानी सोरेन ने 2 मतों से दीपिका बेसरा को हराकर अध्यक्ष पद पर जीत हासिल कर ली। वहीं फुलकुमारी देवी ने सुरेंद्र मंडल को 1 मत से पराजित कर उपाध्यक्ष बनी। इस बार जो है दोनों ही सीट नए सदस्यों ने हासिल की। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज की उपस्थिति में पहले सभी 14 सदस्यों ने मतदान किया। इसके बाद जिला परिषद अध्यक्ष की घोषणा की गई। उपायुक्त ने पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई। सिमडेगा में रोज प्रतिमा सोरेन बनी जिला परिषद अध्यक्ष। सोनी कुमारी पेंकरा को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी। जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए हुए जिला परिषद चुनाव का परिणाम जारी कर दिया गया। इस चुनाव परिणाम में सिमडेगा जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए रोज प्रतिमा सोरेन को विजयी घोषित किया गया। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए सोनी कुमारी पेंकरा को चुना गया। चुनाव जीतने के बाद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ने जिले के सुदूर ग्रामीण इलाकों में विकास करने की बात कही। दोनों ने कहा कि जिस उम्मीद से जनता ने उन्हें यहां भेजा है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। गाँव के अंतिम व्यक्ति तक का विकास करना उनकी प्राथमिकता होगी। जिला परिषद के हॉल से निकलने के बाद उनके प्रशंसकों द्वारा फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया गया। मिठाई खिलाकर विजेता अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बधाई दी। झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों का नहीं खुला है बैंक खाता। पोशाक के 84 करोड़ रुपए लौटे।
विद्यार्थियों का बैंक खाता नहीं होने के कारण वित्त वर्ष 2021-22 में पोशाक के लिए दिए गए 84 करोड़ रुपये वापस लौट गए। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 8 तक के बच्चों के पोशाक के लिए कुल 217 करोड़ रुपये जिलों को दिए गए थे। इसमें से 133 करोड़ रुपये ही बच्चों के बैंक खाता में ट्रांसफर किया जा सका, शेष राशि वापस हो गई। आप सबको बता दो कि पोशाकों के लिए जिलों को राशि पिछले वर्ष 24 नवंबर को दी गई थी। सभी जिलों को 28 दिसंबर तक बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराना था। बच्चों के पोशाक की राशि वापस होने को शिक्षा मंत्री ने गंभीरता से लिया है। इस संबंध में 15 दिनों में पूरी रिपोर्ट देने को भी कहा गया है। साथ ही शिक्षा मंत्री ने अन्य योजनाओं के तहत DBT के माध्यम से दी जाने वाली राशि के बारे में भी जानकारी मांगी है। पहली बार बैठी SCC मांडर उपचुनाव पर हुई चर्चा। सीएम हेमंत सोरेन समेत झामुमो सुप्रीमो शिबु सोरेन रहे मौजूद। कांग्रेस ने बैकलॉग और लॉ एंड ऑर्डर पर की बात। राज्य में सरकार के संचालन के लिए हाल में बनी राज्य समन्वय समिति की पहली बैठक सीएम हेमंत सोरेन के कांके रोड स्थित आवास पर हुई। लगभग एक घंटे चली इस बैठक में मांडर में होने वाले उपचुनाव और राज्य की कानून व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई। बैठक के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता और समिति के सदस्य आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य में नौकरी में बैकलॉग को लेकर भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि 10 जून को हुई हिंसा पर भी बात हुई और दोषियों, चाहे वो अधिकारी ही क्यों न हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बैठक में यह तय हुआ कि मांडर उपचुनाव के बाद इस मामले में कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मांडर उपचुनाव में चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जाएंगे, उसकी तिथि भी जल्द तय की जाएगी। समिति के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की अध्यक्षता में इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, पूर्व विधायक श्री बंधु तिर्की, श्री योगेंद्र प्रसाद, श्री विनोद कुमार पांडे और श्री फागु बेसरा शामिल हुए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।